हेलो दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उसके साथ अपने फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मैसेंजर को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आज खास आपके लिए है। पिछले कुछ दिनों में मेरे दो दोस्तों के पास कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है भाई, पैसे दे दो, मैं कल आपको अपने अकाउंट से निकाल करके मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको ऐसे मैसेज आ रहे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम फेसबुक मैसेंजर के कुछ चैटिंग आपके सामने शो करेंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं पहले फेसबुक मैसेंजर के चैटिंग। जैसा कि मैंने अब एक स्क्रीनशॉट लिया है, आपके सामने फेसबुक मैसेंजर की चैटिंग है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब दूसरे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको। अब हम बात करेंगे मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको क्यों दिखाया और आप इसे कैसे बच सकते हैं। अभी मैंने आपको फेसबुक मैसेंजर की दो चैटिंग दिखाई जिसमें सामने वाला 10,000 रुपये की डिमांड कर रहा है और बोल रहा है कि मैं कल आपको दे दूंगा, बट ये अकाउंट जो है ऑलरेडी हैक हो चुका है और जो है 10,000 रुपये के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगर आपको इन फ्यूचर अगर ऐसे मैसेज आएँ तो आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को आपको कॉल करना होगा और उससे कन्फर्म करना होगा कि हाँ उनको पैसे की ज़रूरत है या नहीं। और अगर आपका खुद का अकाउंट हैक हो गया हो तो कैसे पता करें कि आपका अकाउंट कहां पर लॉगिन है और उसे कैसे लॉग आउट करें, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हमारा अकाउंट कहां कहां पर लॉगिन है और उसे हम कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फेसबुक के पेज पे चलते हैं। अपने गूगल क्रोम में अपना फेसबुक ओपन करेंगे। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोल लिया है। अब इसे हम देखेंगे कि हमारा अकाउंट कहाँ पर लॉगिन है और कैसे हम वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो कॉर्नर पर आपको सेटिंग मिलती है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाकर हमें क्लिक करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलेगा सेटिंग, वहाँ पर क्लिक करके आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने मैसेंजर में वेयर यू आर लॉग्ड इन है सर्च करना है। उसके बाद उसके नीचे लिखा होगा सी मोर, उस पर क्लिक करें और जहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉग इन है आपको शो करेगा। एक साथ आप चाहें तो सबको लॉग आउट कर सकते हैं या तो फिर बगल में 3 डॉट दिया हुआ है, सिंगल सिंगल करके लॉग आउट आप कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक साथ लॉग आउट कर लेते हैं। तो चलिए हम एक साथ सभी जगह से अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट। अब मेरा अकाउंट जो है सभी जगह से लॉग आउट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर लॉग इन है और बाकी जगहों से लॉग आउट हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे आपके पास कोई अननोन मैसेज आता है, जैसे कि आपके पास अगर कोई मैसेज आए जैसे हाउ टू गेट 1000 लाइक ऑन योर पोस्ट इन 1 क्लिक। अगर आपको ऐसे मैसेज आते हों तो प्लीज़ उस पर क्लिक ना करें और ना ही उस पर लॉग इन करें, क्योंकि अगर आपने उस पर लॉग इन किया तो जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हैक हो सकता है। और अगर आपके अपने फेसबुक अकाउंट और जीमेल अकाउंट को सिक्योर रखना हो, उसे हैक होने से बचाना हो, तो किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी अननोन लिंक पे क्लिक करेंगे और उसमें आपका जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो डिटेल्स सामने वाले हैकर के पास चला जाएगा। आगे इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप डाटा को फिल करते हैं और सामने वाला जो हैकर है वो डाटा को कैसे रिसीव कर लेता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई मैसेज आए हाउ टू गेट 1000 लाइक्स ऑन योर पोस्ट इन 1 क्लिक, जस्ट लॉग इन विथ योर फेसबुक अकाउंट, और आपने अपने फेसबुक अकाउंट को उस लिंक से लॉग इन कर लिया, तो आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड वो सामने वाले हैकर के पास चला जाएगा और वो आपके अकाउंट में लॉग इन करके किसी से भी चैटिंग कर सकता है और कुछ भी मांग सकता है। तो आगे देखिए वीडियो में कैसे आपके डिटेल्स को हैक किया जाता है। और प्लीज़ प्लीज़ आप किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। क्लिक करने के बाद जो है
डिटेल्स को फिल ना करें। अगर आपने फिल किया तो आपके डेटा को हैक होने से कोई नहीं बचा सकता। तो देख लीजिए आगे वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन फ्यूचर इस तरह की परेशानी का सामना किसी को न करना पड़े। थैंक यू।